ईमानदार पत्रकारिता के तथा कथित ठेकेदार किस हथकंडे से 2019 के चुनाव से पहले राजनीति का मिजाज बदलने की तिकड़म कर रहे थे। ऑपरेशन राष्ट्रवाद इसकी पूरी पोल खोल रहा है। 2019 के चुनाव से पहले आचार्य अटल अनआइडेंटिफाइड और ब्लैक में रहने वाली फोर्सेस यानी पर्दे के पीछे सियासी पार्टियों को फायदा पहुंचाने वाली ताकतों को साथ लाने की बात कर रहा है। 19 का जो हमारा लोकसभा की जो लड़ाई है उसके अंदर कुछ अननोन और अनआइडेंटिफाइड ब्लैक में रहने वाली कुछ फोर्सेस फिर दोबारा से हमारे साथ जुड़कर के काम करें। बीजेपी जो करती है ओपन, देखिए ओपन स्पेस से जो प्लेटफॉर्म से आपके साथ टाइप है वो अलग है, लेकिन हमारे साथ जो टाइप है वो अलग है। सवाल है कि लोकसभा चुनाव से इसका क्या कनेक्शन है, खुद बहुरूपीय आचार्य की जुबानी सुनिए। लेकिन मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ, उसके पीछे कुछ लार्जर पर्सपेक्टिव भी है, उसमें मेरे शैलो इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और ब्रॉडर इंटरेस्ट भी हो सकते हैं जो मैं आज तो नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन मुझे गुरुजी के साथ भी कुछ चलना होता तो उनके वहाँ लोकल लेवल पे जो कॉम्पिटिशन आता है उसको भी देखना है। 47 पे आके मेरे सामने दो ही चुनाव है, तो मुझे मुस्लिम की तरफ देखना है या फिर वो क्रिश्चियन प्रोग्राम और ये सब देखना है, या लार्जर पर्सपेक्टिव में छोटी मोटी बुराइयों को ध्यान में रखकर छोड़ करके हिंदुत्व की तरफ चलना है।